أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. السلام عليكم. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته تخلف صفاته يا بخت اللي فضله ماشي مش فاش مماته صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله. وعليكم السلام. आपका नाम? मेरा नाम सुंदर जमान है. स्कूल का नाम? लीड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फ्रेश टाउन इस्लामाबाद. तो कितना अच्छा हो गया स्कूल को? 11th ईयर्स. मतलब जब यहाँ स्कूल नहीं था तो आपका स्कूल था? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा फ्रेश टाउन का सबसे पहला तालीमी इदारा है जो इस एरिया में इस एरिया के लोगों की खिदमत के लिए बनाया गया था और इसकी बुनियाद क्वालिटी एजुकेशन पे हमने रखी थी. बच्चों के वालिदैन को शऊर है, अवेयरनेस है? पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी जब हमने स्टार्ट लिया था 2010 से, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पेरेंट्स में बच्चों के एजुकेशन के हवाले से आ चुकी है. इलाके के मसाइल? सर यहाँ एक तो कम्युनिटी के हवाले से शिफ्टेड लोग ज़्यादा हैं, हमारे पख्तून लोग यहाँ ज़्यादा हैं तो उस हवाले से डीलिंग में काफ़ी होता है हमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दौर काफ़ी अवेयरनेस का आ चुका है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस तरह से कुछ हमें. क्या हुकूमत अमन कर रही है? सर प्राइवेट सेक्टर के साथ तो हुकूमत का नहीं है, जैसा कि कोविड के दौरान हमें जिन मसाइल का सामना करना पड़ा पेरेंट्स की तरफ से, ज़ाहिर है इदारे हमारे बंद थे. आपको पता है प्राइवेट सेक्टर तो बच्चों की फ़ीस पे चलता है, तो कोविड पीरियड के दौरान इस तरह के हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा रहे, उस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ कुछ इस तरह की एडवांटेज नहीं मिला. तो क्या चाहिए गवर्नमेंट को? अच्छा, गवर्नमेंट को एटलीस्ट हमारे काफ़ी एहतजाज वगैरह भी रहा कि गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर के लिए कम अज़ कम लोन का ऐलान कर देना चाहिए था या कुछ इस तरह से सेटअप, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी तो इस कंट्री का एक हिस्सा है ना हमारी कम्युनिटी में, जहां गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर भी उससे बढ़ के आगे काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि प्राइवेट सेक्टर को इस तरह से निगलेक्ट ना करती, उनके बारे में सोचा जाता, उन्हें आसान के साथ पे कर्ज़े ही फ्राहम कर दिए जाते ताकि बहुत से इदारे जो अपनी मौत आप मर गए वो ना मरते. और बच्चों के वालिदैन को कोई पैगाम दे स्कूल की तरफ? बच्चों के वालिदैन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं वो इस कौम का सरमाया है, हमने अपने बच्चों की तरबियत सिर्फ अपने बच्चों के लिहाज से नहीं करनी, यही बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारा कल पाकिस्तान की भागदौड़ इन्होंने संभालनी है.